चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। तो हालात बहुत बुरा से बीत रहा है, क्योंकि हम लोग मुंबई से चल कर आ रहे हैं। 10 दिन तक मैं रोड पे पड़ा हुआ था, खाना पीना भी नहीं मिल रहा था हम लोग के लिए। ऐसे बिस्कुट मिल रहा था, पानी दे रहा था, आदमी लोग कर आकर खा खा कर जी रहे थे। गाड़ी भी नहीं मिला था, 4 दिन का बोला था कि इधर बस लगेगा, बस भी नहीं मिला। और ट्रेन भी जाकर हम लोग स्टेशन से घूम घूम फार्म भर के और ऑनलाइन भी किए हैं। ऑनलाइन करने के बावजूद भी हम लोग का कोई भी व्यवस्था नहीं मिला। तो इसी ट्रक वाला से रिक्वेस्ट करके हम लोग अपना घर जाना चाहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कब चले थे आप, कब आप यहाँ पे आए? हम लोग का हो गया आज 3-4 दिन हो गया सर वहाँ से चले हुए। 19 तारीख का चले हुए साहब। तो ये रास्ते में आपको पुलिस वाले ने रोका वोका नहीं कि? सर रोका, लेकिन एमपी वाला महाराष्ट्र पुलिस ने रोका था सबको। वो ड्राइवर को मार भी दिया वहाँ पे, बहुत मारा ना ड्राइवर को, मार के पूरा ये तोड़ ओड़ दिया है। अच्छा, क्या बोले? क्या बोले, जैसे वो डर गया ना, वो बोला कि हम आदमी को लेके जा रहे हैं तो डर गया, इसी के कारण वो आदमी सब मार दिया। पुलिस वाला रुक करके उसको बहुत मारा। बोल रहे हैं जो मेडिकल रिपोर्ट था, वो फार्म था, उसके बाद ऑनलाइन फार्म था, सब साथ में है सर। वहाँ स्टेशन पे गए, वहाँ से पुलिस वालों ने डंडा लेकर मारना खत्म कर दिया, बोला खदेड़ दिया वहाँ। एक बार नहीं बोला, इधर डायरेक्ट स्टेशन पे नहीं आने का, जाओ ग्राम पंचायत में। और ग्राम पंचायत में गए तो वो लोग प्रधान वहाँ पे पुलिस बुला कर खदेड़ देते थे। कंपनी वाला, हम लोग कंपनी में, हमारा तो नेक्स्ट कंपनी में काम कर रहे थे, पैसा भी नहीं मिला था हम लोग का, पगार भी नहीं हुआ था, घर से पैसा मांगा मांगा के कम से कम 2 महीने से खा रहे हैं हम लोग। सरकार बोल रही है, महाराष्ट्र की सरकार भी और केंद्र सरकार भी, दोनों बोल रहे हैं कि जो भी प्रवासी मजदूर भाई लोग हैं, हाँ सर, वहीं पर रहने का खाने का सब सामान मिल रहा है, तो आप लोगों सर कुछ नहीं व्यवस्था है वहाँ पे, कुछ नहीं व्यवस्था है वहाँ पर। बोला जा रहा था सर, और मिलता नहीं था, बोला जा रहा था मिलता। ये जो उदय ठाकरे भी हैं वहाँ से, हम लोग को बार बार वहाँ के कर्मचारी लोग बोलते थे कि आप लोग जहाँ हो वहीं रहो, मगर हम लोग कुछ मिलता नहीं था। ये बोले और ये बोले कि आप लोगों को ऑनलाइन के लिए फार्म भी भरवाया जा रहा है। पूरी आम पब्लिक, उत्तर प्रदेश के जितने लोग बिहारी हो या यूपी के हो, सब लोग फार्म भर के पुलिस चौकी में डाले, वो भी हम लोग डाल कर चले आए। घर पे बैठे फोन आता था, जाते थे, बोलते थे कि गाड़ी फुल हो गई, तुम लोग जाओ। ऐसे करते करते हम लोगों को 10 दिन गया, फिर फार्म भरा, फिर डाले, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद बस का व्यवस्था हुआ, बस का व्यवस्था हुआ, रोड पे गए हम लोग। हम लोग घोड़बंदर एक है, मुंबई के अंदर एक घोड़बंदर चौक है, वहाँ पर सारे व्यक्ति, हजारों के व्यक्ति वहाँ पहुँच कर भीड़ लगाई हुई है, बस एक भी नहीं आ रहा है, आने का नाम ही नहीं ले रहा है। बोला कि तुमको जाना है तो चल के जाओ, नहीं तो घर पे जाओ। बाहर निकलना पड़ा सर। 2 महीने से वेट करते करते, हमने 2 महीने से वेट किया सर, जब मेरे पास जो पैसे थे मैंने खा लिया, उसके बाद जो मेरे ठेकेदार और कंपनी भी नहीं देना बंद कर दिया, उसके बाद हम लोग हालात से मजबूर हो गया, घर से मंगा के खा रहे थे, फिर घर पे भी जो अकाउंट था थोड़ा बहुत वो भी ख़त्म हो गया सर। तो हार पछता के हमने सोचा कि लास्ट में जो मेरे पास किराया वारा भी जो भी खाने पीने का वो भी नहीं बचेगा, इसलिए हम वहाँ से चल दिए सर। सर थोड़ा बहुत जो रास्ते में एकाक जगह मिला, इतना दूर में 4 दिन का सफर कर रहे सर, एक जगह मैंने पूरी और सब्जी का व्यवस्था था वो उन्होंने दिया, वो खा के हम लोग आ रहे हैं। चीज बताइए, सरकार ने अभी 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज ऐलान किया है, हाँ, लोगों की सहायता के लिए कोरोना वायरस से लड़ते, हाँ। आप लोग को क्या लगता है कि उस 2 लाख करोड़ में आपको कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा? नहीं, कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला है, सब बकवास है सर, कुछ नहीं मिला है।